ड्राइंग शुरू करने से पहले हमें जो जो हमारे बिगनर्स हैं उनको जो भी लाइंस के बारे में दिक्कतें आती हैं कि हम उनकी लाइन सीधी नहीं बनती या लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है या सर्कल प्रॉपर सर्कल नहीं बन पा रहा है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और उसके लिए क्या करना होगा, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फेशियल एक्सप्रेशन की बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा जो बिगनर्स हैं और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए कुछ ड्राइंग टिप्स देना चाहूँगी। ड्राइंग करते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसमें एक तो छोटे बच्चों को अक्सर देखा है कि जो वो लिखने के लिए जहाँ से पेंसिल को पकड़ते हैं वहीं से वो ड्राइंग करने के लिए भी पकड़ते हैं और खूब डार्क 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 वो इतनी डार्क पेंसिल चलाते हैं कि अगर आप उनके नीचे के पेजेस में देखेंगे तो 2-3 पेज तक वो निशान नज़र आते हैं। तो एक तो जो ड्राइंग करने के लिए पेंसिल कभी भी हम यहाँ से नहीं पकड़ते, अगर हमें कुछ वैसी पॉइंटेड कुछ मतलब उस तरह का काम करना होता है तब हम भले ही यहाँ से पकड़ लें, अदरवाइज़ ड्रॉ करते समय हम हमारी कोशिश होती है कि कोशिश क्या हमें पकड़नी ही चाहिए पीछे से और हमारा हाथ कॉपी से ऊपर उठा हुआ रहना चाहिए, कॉपी पे टच नहीं होना चाहिए। उससे एक अगर हम कॉपी पे रख के हाथ चलाने की कोशिश करते हैं तो हमारा हाथ स्टिफ हो जाता है और उसका जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता और कुछ भी हम ड्रॉ कर रहे हैं वो ठीक से ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि वो उसको मूवमेंट की प्रॉपर मतलब प्रॉपर वो मूव नहीं कर पा रहा है। एक तो इन बातों का ध्यान रखें कि हमें पेंसिल जो है वो इतनी दूर से पकड़नी है कि आपका जो हाथ है वो कॉपी से दूर रहे। अगर आपको ऐसे काम करने में दिक्कत होती है तो आप उंगली का सपोर्ट ले सकते हैं इस तरह से, सपोज़ मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं इस तरह से सपोर्ट ले लूँ। शुरू में दिक्कत होती है लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, या कोशिश करिए आपको हाथ से सपोर्ट ही ना लेना पड़े। अब मेरे को सर्कल बनाना है तो मेरा जो हाथ है सर्कल बनाते समय या लाइन करते समय एक तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम हमारा जो हाथ है वो ऐसे उंगलियां ना मूव करें इस तरह से। अगर हम मैं जैसे लाइन खींचनी है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं ऐसे ऐसे करके नहीं करूँ, हमें पूरा हाथ उठा करके इस तरह से लाइन्स करनी है। या सर्कल करना है तो पूरा हमारा जो हाथ है वो पूरा मूव करना चाहिए एल्बो से, ना कि रिस्ट और उंगलियाँ। तो हमारी रिस्ट और उंगलियां वो रहेंगी, मूवमेंट उनमें नहीं होगा बल्कि जो मूवमेंट होगा वो हमारे एल्बो से होगा। तो ये चीज़ें आपको जो प्रैक्टिस करनी है तो आप दो इसमें दो पॉइंट्स लगा लीजिए और उसमें आप लाइंस ड्रॉ करिए या आप जल्दी जल्दी ऐसे भी लाइंस ड्रॉ करते रहिए, वो लाइंस आपकी स्लांटिंग लाइंस वर्टिकल लाइंस कैसे भी हो आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। दूसरा प्रैक्टिस करनी है कि हम शेप्स पे, क्योंकि हमारे जो जो भी ड्राइंग करते हैं हम अगर उनमें शेप्स यूज़ करते हैं तो हमारे लिए ड्राइंग्स आसान हो जाती हैं। तो अक्सर छोटे बच्चों को जो हम ड्राइंग कराते हैं तो उसमें हम शेप्स पे ही ध्यान देते हैं। सबसे पहले सर्कल, जैसे सपोज़ हम छोटा जब बच्चा कोई आता है तो हम उसको कहते हैं ये सर्कल है, सर्कल से हम क्या क्या बना सकते हैं, सर्कल से हम फेस बना सकते हैं, हम सन बना सकते हैं। तो हम उसको बेसिक चीज़ें बताते हैं कि हम सर्कल से क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर से रेक्टेंगल से कैसे चीज़ों को बनाते हैं। सपोज़ जैसे मेरे को अब बच्चे को पेड़ सिखाना है तो मैंने एक सर्कल बताया और उसमें एक सिलेंडर जोड़ दिया, तो ये इस तरह से हमारा ये बेसिक एक बच्चे को हमने ट्री बनाना सिखा दिया। अब हमें उसको हट बनाना सिखाना है तो हम एक ट्रायंगल हमने लिया, उसके नीचे हमने एक रेक्टेंगल जोड़ दिया और उसके अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया। तो इस तरह से ये हमारा हमने इसको हट बनाना सिखाया। तो ये बेसिक जो शेप्स हैं उनको भी उन पे भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। और अक्सर मैं जो बच्चों से करवाती थी वो कि ट्रायंगल लगातार हम उसको हाथ को चलाते रहें इस तरह से, अगर हम ओवल भी बना रहे हैं तो लगातार हम ओवल इस तरह से भी बना सकते हैं या एक के अंदर एक। ये बच्चों को मैं गेम की तरह भी कहती थी बच्चों से खेलने के लिए कि दो बच्चे अगर बैठे हैं तो एक अगर वो सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल के अंदर कौन कितने सर्कल बना सकता है और जल्दी जल्दी एक टाइम का भी उस 1 मिनट के अंदर कितने ज़्यादा सर्कल बना सकता है बिना
दूसरे सर्कल को टच किए हुए, अगर वो टच कर रहा है तो उतने ही पॉइंट्स वो दूसरा बच्चा उसके काट देगा। तो ये ऐसे मतलब खेल खेल में बच्चे इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि हाथ का मूवमेंट जितना ज़्यादा आप हाथ को चलाएंगे उतना ही आपका हाथ अच्छे से फ्लो करेगा, तो ये इस तरह की प्रैक्टिस या इस तरह की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी होगी ताकि आपका जो हाथ है वो प्रॉपर मूव करना शुरू हो जाए। तो लाइन प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप किसी भी रफ पेज पे, अखबार पे, किसी भी चीज़ पर आप लाइंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगर आप अपने इसको 10 मिनट भी देते हैं तो आपकी ड्राइंग बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी।